भाई पहुंच चुके हैं, आपको लाइव नाजिर दिखा रहे हैं, यहाँ पे पहुंच चुके हुए हैं। ये ब्राह रास्त नाजिर आप देख सकते हैं, इकरार भाई साहब पहुंच चुके हैं, आप लाइव नाजिर देख रहे हैं इस वक्त। ये इकरार भाई हमारे साथ मौजूद है इस वक्त, ब्राह रास्त नाजिर देख रहे हैं आप। अच्छा जी, ये जरा बहनों का थोड़ा सा ख्याल जरा प्लीज करें बेटा, जरा रास्ता बनाएं, आप इस तरफ राइट पे आ जाओ बेटा, थोड़ा इस तरफ आ जाए। अल्लाह आप सबको सलामत रखे और सब आपको, आप सब मुबारकबाद के मुस्तहक हैं कि आप यहाँ कवरेज के लिए नहीं आए, आप यहाँ व्यूज के लिए नहीं आए, आप दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए यहाँ रवाज पर मौजूद हैं और हम अल्हम्दुलिल्लाह तारीख लिख रहे हैं इस तारीखी फितरे के खिलाफ। मैं ये जरा बाहर आप सबसे मेरी कि ये लड़ाई इस मुल्क के मासूम बच्चों की जिंदगियों की लड़ाई है, ये लड़ाई इस मुल्क में, मैं वजाहत कर दूं, इस मुल्क में अल्लाह के असली वलियों की इज्जत और हुर्मत की लड़ाई है, ये लड़ाई इस मुल्क में खत्म नबूवत के अकीदे के सही होने की लड़ाई है। हम सब ने हुर्मत रसूल का दिफा भी करना है, हम सब ने हुर्मत कुरान का दिफा भी करना है, हमने हुर्मत औलिया का दिफा भी करना है और इंशाल्लाह तब तक चैन से नहीं बैठना जब तक हम इस फितने को इसके अंजाम तक नहीं पहुंचा लेते इंशाल्लाह। हमने पहले ये दावा किया था और वादा किया था कि इंशाल्लाह इसके फितने के अड्डे अपने इख्तिताम को पहुंचेंगे। आप फरगाना साहब, लेकिन आज से हम इस तहरीक का, इस जिद्दोजहद का आगाज कर रहे हैं कि इंशाल्लाह जब तक हक खतीब नाम का ये फितना, ये शुफ शुफ सलाखों के पीछे नहीं जाएगा, मैं सैयद इकरारुल हसन रवाद की सरजमीन पे आप सबसे वादा करता हूँ कि मैं इंशाअल्लाह अजीज किसी मसलहत का शिकार नहीं हूँगा, किसी दबाव का शिकार नहीं हूँगा, किसी खौफ का शिकार नहीं हूँगा इंशाअल्लाह अजीज। ये मेरी, मैं अल्लाह और उसके रसूल को गवाह बना के आप सबसे वादा करता हूँ कि ये मेरी जात की लड़ाई नहीं है, अल्लाह की जात जानती है, इसमें मेरी कोई अनाज शामिल नहीं है। तो ये लड़ाई आप सबको मैंने, आप सबके सामने, पूरे पाकिस्तान के सामने हमने सबूत रखे, हमने ये दिखाया कि ये आदमी कीले निकाल के मुंह से चैने बरामद करके किस तरह से दीने इस्लाम की तौहीन का मुर्तकिब हो रहा है, हमने ये दिखाया किस तरह इसके आस्थानों पर आने वाले लोगों से जबरदस्ती करके उन्हें डरा धमका के उनसे पैसे वसूल किए जाते हैं लंगर जैसी और नजराने जैसी मोहतरम चीजों के नाम पे। हमने आपको ये बताया कि ये बदबख्त फितना अपने पास आने वाली खवातीन का जिनसी इस्तेहसाल करता है, हमने आपको ये बताया और दिखाया कि ये नशावर अद्वियात का इस्तेमाल करता है। अल्लाह के वलियों की और आस्थानों की इससे बड़ी बेहुर्मती और क्या होगी कि ये खुद को अल्लाह का वली कहे और हम इसके अड्डे को आस्थाना कहें। मेरी आप सबसे दरखास्त है, हम कल्लर सैयदा जा रहे हैं, कल्लर सैयदा के और खिताए पोटोहार के खुशूर अवाम वहाँ इस्तकबाल के लिए मौजूद है, हम वहाँ जाके सारी दुनिया को ये बताएंगे कि ये बदबख्त और बद किरदार इंसान अकीदा खत्म नबूवत का सिपा सालार नहीं हो सकता, हम इसको बताएंगे कि ये अल्लाह के वलियों का नुमाइंदा नहीं हो सकता, ये आस्थानों का, ये खानकाहों का नुमाइंदा नहीं हो सकता, ना ये दीन इस्लाम का नुमाइंदा है, ना ये पाकिस्तान का नुमाइंदा है। तो मेरी हाथ बांध के आप सबसे ये अपील है पाकिस्तान के लिए, इस्लाम के लिए, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत के लिए, हम सब ने मिलकर ये जिद्दोजहद करनी है। ये इकरारुल हसन की लड़ाई, ये इकरारुल हसन की लड़ाई नहीं है, ये हम सब की लड़ाई है और लड़ाई, और लड़ाई लड़ाई ये नहीं कि हमने खुदा न खास्ता बजोरे बाजू कुछ करना है, हमने इंशाल्लाह अपनी आवाज बुलंद करनी है, आपके हाथ में ये जो ताकत है कैमरे की, इसके जरिए इसको बेनकाब करना है और कानूनी फ्रंट पे इसको जेल की सलाखों के पीछे लेकर जाना है इंशाल्लाह।